खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए देश के हर कोने में खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने में परिचालन व्यवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय खाद्य निगम में परिचालन हेतु मुख्यतः रेलवे रेक का उपयोग किया जाता है। ये रेक दो प्रकार के होते हैं, जंबो रेक और सामान्य रेक। जंबो रेक में लगभग 3,500 टन अनाज, जबकि सामान्य रेक में 2,600 टन अनाज की ढुलाई की जा सकती है। औसतन एक वर्ष में FCI द्वारा पूरे देश में 42 से 45 मिलियन टन खाद्यान्न का परिवहन किया जाता है, जिसमें लगभग 2,297 FCI के स्वामित्व वाले किराए पर लिए गए डिपो या साइलो, 550 से अधिक रेल हेड और 97 FCI की अपनी रेलवे साइडिंग शामिल हैं। इस प्रक्रिया में अनाज की सुरक्षा और गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। हमारे श्रमिक अनाज के बोरों को अत्यंत सावधानी पूर्वक रेक में लोड करते हैं। लोडिंग प्रक्रिया के पश्चात वैगन को उच्च सुरक्षा सील के माध्यम से सील किया जाता है। ये उच्च सुरक्षा सील विशेष रूप से डिजाइन की गई है ताकि इन्हें किसी भी प्रकार से छेड़ा न जा सके। इन सील्स में एक अद्वितीय कोड होता है जिसे केवल प्राप्तकर्ता कार्यालय के अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही खोला जा सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि अनाज की सुरक्षा में कोई भी अनधिकृत हस्तक्षेप न हो। एक बार लोडिंग और सीलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ये रेक अपने गंतव्य की ओर रवाना होती हैं। ये सुनिश्चित किया जाता है कि अनाज सुरक्षित रूप से और समय पर अपने गंतव्य तक पहुँचे। ये प्रक्रिया आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और विश्वसनीयता को दर्शाती है।